अपने 2 मिनट वाली मैगी को 1 मिनट में बना दिया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा में। सो आई होप आप सभी अपनी स्टडी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्यूरिसप्रूडेंस की यूनिट 5 की टॉपिक आईपीआर। आईपीआर क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब आईपीआर को स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करें एंड सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें। फिर प्रॉपर्टी राइट होता क्या है? अब इंट्रोडक्शन ये कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है आपका सीधा सा कि किसी भी प्रोडक्ट की सेल, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर कमर्शियल पर्पज, मतलब किसी भी मतलब के लिए आपका उसका जो यूज होता है उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने देख लिया, अब देखते हैं आपका राइट क्या होता है। अब राइट की बात करें तो राइट जैसे कि मैंने अपने ब्रेन से कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कोई भी बुक मैंने अच्छी तरह से लिखी, तो उस पर मेरा क्या है, एक हक हो गया, उस पर एक मेरा राइट है कि मैं उसकी प्रोडक्शन करूँ, उसकी एक रक्षा करूँ। जो मैंने बुक प्रिपेयर की है उसकी मैं एक प्रोटेक्शन करूँ कि मेरी बुक अच्छी तरह से मार्केट में पब्लिश हो जाए। तो इसीलिए हमारा ये क्या है, आईपीआर एक्ट आया था। इसे ही हम क्या कहते हैं, आपका आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। अब जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसकी जो कॉपी थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा देखते हुए आपकी जो गवर्नमेंट ने उसने फैसला लिया कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाएंगे, जिसमें कि कोई भी अगर लाइक मानो मैंने कोई बुक लिखी, ठीक है, अगर किसी ने उसे जीरोक्स कराया और जीरोक्स करने के बाद उसने सारी की सारी बुक को मार्केट में पब्लिश कर दिया, तो उसका ऑनर तो मैं था क्योंकि मैंने वो बुक लिखी थी, बट किसी दूसरे पर्सन ने मेरी बुक को जीरोक्स करके उसे मार्केट में पब्लिश कर दिया, तो इस पर मेरा कोई भी हक नहीं है क्योंकि वो मार्केट में पब्लिश हो चुकी है, तो सारा का सारा जो ऑनरशिप जाएगी आपकी वो सारी की सारी सेकंड पर्सन को ही जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी राइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया था, क्योंकि इससे क्या था, आपकी जो माइंड की क्रिएटिविटी थी उसके बारे में पता चलता था। आप कोई अपने माइंड से न्यू क्रिएटिविटी मतलब न्यू क्रिएशन करते थे, किसी नई चीज़ को बनाते थे, लाइक साइंटिफिक चीज़ें थी आपकी, आर्टिस्टिक थी, कोई पोएम लिखते थे आप, नोवेल लिखते थे, ठीक है, एंड पेंटिंग, फोटोग्राफी, कोई न्यू न्यू म्यूज़िक बनाए जाते हैं आजकल, ठीक है। तो इसी से क्या होता था कि मतलब आपके माइंड की क्रिएटिविटी दिखती थी इससे, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। अब हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, वैसे सब कुछ जो मैंने बताया वो सारा का सारा यही है इसमें, बट थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं। सो आईपीआर इज एक्सक्लूसिव राइट विच इज ग्रांटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्टिंग वर्क ऑफ इन्वेंटर। जो आपका आईपीआर है ये एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि ग्रांटेड किया था आपका जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ग्रांट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपका ग्रांटेड किया जाता है आपका। और ये किस लिए किया गया है, जो इन्वेंटर है, जिसने उस चीज़ को बनाने के लिए काम किया है, उसके काम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कराती है। आईपीआर इज द राइट गिवन टू पीपल ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, इट इज़ लीगल राइट। अब आपका क्या है, आईपीआर एक ऐसा राइट है जो किसी भी पीपल के क्रिएटिविटी को दिखाता है, उसकी माइंड की क्रिएटिविटी को दिखाता है, उसकी माइंड के क्रिएशन को हमें दिखाता है कि उसके माइंड मतलब कैसा काम कर रहा है, क्या अच्छा काम कर रहा है, उसने क्या चीज़ नई क्रिएटिविटी की है, तो इन सारी चीज़ों को वो आपका दिखाता है। ये आप इट इज़ रेफर टू द क्रिएशन ऑफ माइंड, ये जो आईपीआर है आपका सारा का सारा आपके माइंड की क्रिएटिविटी को रेफर करता है, ठीक है। अब आता है आपका लिटरेटी में, जैसे किसी ने नोवेल लिखा है, किसी ने पोएम बनाई है नई, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, एक माइंड से की गई हैं, आपके माइंड के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। तो उनका आप पेटेंट करा लेंगे, पेटेंट कराने से आपका क्या होगा, उसे कोई भी 20 साल तक नहीं बना पाएगा, 20 इयर्स तक आपकी वो आपकी ही रहेंगी, आफ्टर 20 इयर्स उन्हें कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, उन्हें कोई भी लिख सकता है, कोई भी अपनी फिल्म में ऐड कर सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या फ़ायदा होता है, जब हम किसी भी ड्रग या मान लो कि थॉमस एल्वा एडिशन ने आपका बल्ब को पेटेंट कराया, तो उन्होंने पेटेंट कराने के बाद आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिली थी 20 इयर्स तक, मतलब आफ्टर 20 इयर्स उसे कोई भी बना सकता है, बट 20 इयर्स तक वो आप ही बना सकते हैं। ड्रग बनाई और आपने पेटेंट करा रखी, तो आप 20 साल तक उसे बनाएंगे और उससे ही सप्लाई करेंगे, तो आप
फाइनली सीधी सी बात है कि आप तो पैसे वाले हो ही जाएंगे। तो अब देखते कि आईपीआर होती है उसे आपके कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉपीराइट एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। कॉपीराइट को आई होप आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे, बट थोड़ा बहुत हम यहाँ पर देख भी लेते हैं, डिस्कस भी कर लेते हैं। अब पेटेंट क्या होता है? इट इज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर फॉर्म प्रोसेसिंग, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्ट। अब पेटेंट का सीधा सा मतलब है आपका, ये एक एक्सक्लूसिव राइट होता है जो कि इन्वेंटर द्वारा किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को या किसी ड्रग को बनाया है, उसकी प्रोसेसिंग, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्टिंग को प्रिवेंट करने से, उसे मतलब प्रोटेक्शन के लिए वो क्या कराता है आपका, पेटेंट। जैसे जैसे मानो आपने कोई ड्रग बनाई, ठीक है, ड्रग बनाने के बाद आपने क्या किया, उसे पेटेंट करा लिया, तो आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि आपकी जो ड्रग है उसे 20 ईयर्स तक कोई भी नहीं बना सकता, और 20 ईयर्स में आपको बार बार उसे रिन्यूअल भी कराना पड़ेगा। तो पेटेंट से इतना फायदा है कि आपकी जो ड्रग है उसको 20 ईयर्स तक आपकी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, उसके मेथड को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, उसे सेल नहीं कर सकता, उन्हें मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता और उसकी इंपोर्टिंग नहीं कर सकता। और ये सारी चीज़ें आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देख रेख में की जाती है। अगर इंडिया की पेटेंट ऑफिस की बात करें तो आपके 3 पेटेंट ऑफिस हैं, एक कोलकाता में, मुंबई में एंड आपकी दिल्ली में। बट आप पेटेंट में ऐसे नहीं कर सकते, जैसे कोई मान लो आपने कोई आमलेट नई तरीके से बनाई है, या आपने 2 मिनट वाली मैगी कोई 1 मिनट में बना दी है, तो आप इसका ये नहीं कर सकते कि मैंने कोई नई चीज़ बनाई है और बहुत जल्दी मैंने 2 मिनट की मैगी 1 मिनट में बना के रेडी कर दी है तो मैं उसको पेटेंट करा लूँ। ये ऐसा कुछ भी सीन नहीं होगा, क्योंकि आप उसी चीज़ को ही पेटेंट करा सकते हैं जो आपकी एक कमर्शियल, एक एक्सक्लूसिव राइट के थ्रू आती है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट, ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है आपका, कि इट इंक्लूड सिंबल लाइक जैसे कि बर्क, लोगो, नेम, मोनोग्राम एंड सोलोग्राम। अब आप इसे बहुत ही इजी तरह से जान लूंगा, जैसे कि एडिडास। अब एडिडास का आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि कैसा होता है एडिडास लिखने के बाद उसके ऊपर 3 डॉट डॉट से होते हैं। पे क्या होता है आपका, कोई भी नाइक का प्रोडक्ट होगा उस पर राइट का ये लोगो होगा, ठीक है, तो ये आपकी साइड स्क्रीन पे आ गया होगा कि नाइक का लोगो। एप्पल फोन को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, एप्पल कटा हुआ शेव, सो हाँ वही शेव आपका, वो जो क्या है एप्पल कंपनी का एक लोगो है, जिसे कि उसने क्या करा रखा है, पेटेंट करा रखा है, उसने रखा है उस ट्रेडमार्क का एक पेटेंट करा रखा है, उसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। अब गूगल बाबा को तो सब लोग जानते ही हैं, तो उनके बारे में क्या बताना कि गूगल बाबा की तो खैर कोई कॉपी, गूगल बाबा की तो कोई कॉपी कर ही नहीं सकता गूगल की। तो ये सारी चीज़ें जो लोगो, नेम, मोनोग्राम, स्लोगन होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनसे हम इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मानो को एप्पल देख लिया हमने, हम एप्पल के कटा हुआ शेप देख लिया मान लिया, तो आप बोल दोगे हाँ हाँ एप्पल की कंपनी की है। तो अब आता है थर्ड, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में क्या होता है, इट मेक्स डिज़ाइन दैट मेक्स द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द कस्टमर एंड एड इट कमर्शियल वैल्यू। वो सारे प्रोडक्ट या डिज़ाइन जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती हैं, कमर्शियल वैल्यू मतलब आपकी एक अच्छी तरह, वो सारे के सारे जो पर्सन्स होते हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, बुलाती हैं, ठीक है, मगर जाने का नहीं। फीचर्स होते हैं शेप, साइज, सरफेस, आर्टिकल वगैरह, फिर 2 डायमेंशनल फीचर्स होते हैं, लाइन लाइन कलर और पैटर्न में। कॉपीराइट को आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर चलता ही है, अगर मैंने अपने ग्रेसफुल फार्मा पर किसी दूसरे की वीडियो को अपलोड कर दिया तो सीधे यूट्यूब स्टूडियो होगा, उस जगह लिखा हुआ आएगा ये एक कॉपीराइट कंटेंट है, तो आप उसे अपलोड नहीं कर सकते। तो यही चीज़ें होती हैं, आप कॉपीराइट को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जैसे कि इसमें क्या चीज़ होती है आपकी, जैसे कवर लिटरेरी वर्क्स, जैसे नोवेल, पोएम, फिल्म, आर्टिस्टिक में जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, तो ये कार्टून वगैरह जो सारे काम होते हैं आपके, ये सारे कॉपीराइट होते हैं। अब कौन कौन से काम होते हैं, जैसे म्यूजिक क्लिप, अगर मैं इसी लेक्चर में किसी दूसरे म्यूजिक को डाल देता तो वो वहाँ पर सीधा सीधा बता देता कि ये एक कॉपीराइट म्यूजिक है, तो आप इसे अपलोड नहीं कर सकते। कोई वीडियो क्लिप हो सकती है आपके कॉपीराइट में, रिकॉर्डिंग हो सकती है किसी की, तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉपीराइट में आती हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो इंक्लूड एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर गुड्स ऑर्गेनाइजिंग फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया।
टेक्निकल इंडिकेशन का मतलब है आपका एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आपकी कोई खास चीज़ बनाई जाती है, खास चीज़ बनाई जाती है उसे आपका वहाँ पर क्या कराना पड़ता है, जियोफिजियोलॉजिकल इंडिकेशन का पेटेंट कराना पड़ता है। जैसे कि आगरा का देखा होगा, आगरा में क्या होता है आपका पंछी बेटा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंडिकेशन को पेटेंट करा रखा है, तो थी इन बिहार। अब कुछ इसकी क्लासिफिकेशन है हम देख लेते हैं टेबल के थ्रू कि IPR एक्ट है जो वो आपका मतलब कितनी मैक्सिमम प्रोटेक्शन होती है उसकी, और आपकी जो रिन्यूअल होती है उन्हें कब कराना पड़ता है, और एक्ट कौन कब से आए थे, और ईयर में उनके जो किए गए अमेंडेड हुआ थे? थोड़ी बहुत चेंजेज हुए। सबसे पहला है आपका पेटेंट। पेटेंट जैसे कोई भी ड्रग आपने बनाई तो उसे आपको पेटेंट कराना है, तो उसका जो पेटेंट होगा वो आपका 20 ईयर्स का होगा। आपको आपने किसी ड्रग को बनाया और उसे पेटेंट कराया तो मतलब 20 ईयर्स तक वो आप ही बनाओगे, कोई सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। और और आपको फिर आता है थर्ड है आपकी क्लास एवरी ईयर मॉड्यूलेट, मतलब आपकी जो पेटेंट होगा वो आपको एवरी ईयर आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। इस एक्ट की बात करें तो ये आपका 1970 में आया था, इसमें अमेंडेड मतलब कुछ चेंजेस हुए थे 2005 में। फिर सेकंड है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की बात करें तो ये एक्ट आपका 1999 में आया था, और जब ट्रेडमार्क पेटेंट कराते हैं तो आपका ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देता है, रिन्यूअल कराना पड़ता है आपका आफ्टर 10 ईयर। इसकी जो अमेंडेड की बात करें चेंजेस इसमें 2010 में हुआ था। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की बात करें तो ये आपका 2000 में आया था, और इसकी जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन है वो आपकी 15 साल मतलब 15 ईयर्स तक आपकी मैक्सिमम प्रोटेक्शन है आपकी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की। और आफ्टर 10 ईयर पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपकी 15 ईयर्स का जो प्रोटेक्शन है वो कंप्लीट होने के बाद आफ्टर 10 ईयर आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट होगा वो आपको आफ्टर 15 ईयर रिन्यूअल कराना पड़ेगा। इसकी जो अमेंडेड की बात करें ये आपका 2040 में कुछ बदलाव किए गए थे इसमें। कॉपीराइट की बात करें ये 60 ईयर्स जो आपका कॉपीराइट है वो आपका 1957 में आया था, और इसकी जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन है वो है 60 ईयर्स। लाइक जैसे कि मानो कि जो हमने जो ये लेक्चर अपलोड किया है, लेक्चर अभी हम दे रहे हैं, अगर इस लेक्चर को 60 ईयर्स हो जाते हैं तो आफ्टर 60 ईयर्स इसे अपने यहाँ से डाउनलोड करके कोई भी दूसरा अपने चैनल पर अपलोड कर सकता है, बट इसे रिन्यूअल कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें अब बदलाव की बात करें तो इसमें जो कॉपीराइट में थोड़ी बहुत चेंजेस किए गए थे, अमेंडेड किए गए थे, वो 2012 में किए गए थे। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो ये 1999 में आया था। इसकी जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन है वो लाइफ लॉन्ग, जैसे कि आपकी जमीन होगी, आपके खेत होंगे, उनकी क्या है एक लाइफ लॉन्ग, आपके पास एक खतौनी होगी आपके पास वो हमेशा लेने वाले हैं, तो उनका एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन 1999 में आया था। उनकी जो जब हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन का आपका पेटेंट कराते हैं तो वो आपका लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन के लिए होता है, आपका लाइफ लॉन्ग वो आपके साथ ही रहेगा। वेल है वो आपको एवरी 10 ईयर्स कराना पड़ता है, जैसे आपने सुना ही होगा खतौनी वगैरह वो आपको निकालनी पड़ती है। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। सो थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।